खरगोन जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास लगातार जारी है। ऐसे में महामारी की रोकथाम के लिए सांसद गजेंद्र पटेल के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर अनुग्रह पी सहित जिले के पत्रकार भी शामिल हुए। लिहाजा महामारी की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं पर परिचर्चा की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बाहर से आने वाले लोगों को 7 दिन होम क्वारंटाइन करने की बात कही। वहीं सांसद गजेंद्र पटेल ने बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए गरीबों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर जनता से अनुरोध किया कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर बीमारी से लड़ने के लिए हमें सहयोग प्रदान करें। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। संक्रमण फैल रहा है और जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए, उसके बाद भी संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो किस प्रकार से आप क्राइसिस मैनेजमेंट में प्लानिंग की? अभी जो है हमारा संक्रमण जो हो रही है वो दो प्रकार की है। एक है लोकल ट्रांसमिशन, मतलब जो लोग पहले से संक्रमित है वो कहीं बाजार जा रहा है या बाहर घूम रहा है, उनसे दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहा है। दूसरे जो है बाहर से आने वाला व्यक्ति जो संक्रमित आ रहा है, तो ऐसे करके इंदौर है या महाराष्ट्र के जो हमारा बॉर्डर है, ऐसे दो जगह का ज़्यादा लोग आ रहे हैं और यहाँ से वो नया लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए हमने जो है नाके का टीम लगाए हैं, जो आपकी एड्रेस और फ़ोन नंबर नोट कर रही है और उसी एड्रेस में जाके हमारा टीम जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है उनको एक हफ्ते के लिए घर में आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन करने के लिए निर्देश दे रहे हैं, जिससे जो है आगे जाके हमारा केसेस जो है नहीं बढ़ेगी। पब्लिक से ये अनुरोध है, जो लोग ट्रैवल करके आए हैं कहीं भी जगह से, वो लोग एक हफ्ते के लिए आपके घर में जो है क्वारंटाइन रहना आवश्यक है, तभी जाके हम संक्रमण को रोक सकते हैं। मैम, जिस तरह से कोई कोरोना मरीज की जो डेट हो रही है, कहीं ऐसे परिजनों को ऐसे बिना पीपीई किट के सौंप दिया जा रहा है और वो ऐसे परिजन जाके ना दाह संस्कार करें, कहीं ना कहीं संक्रमण फैल गया। जिस प्रकार से कोरोना लगातार खरगोन जिले में बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस कोरोना संक्रमण के तहत में हमारा खरगोन जो जिला है वो काफ़ी संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर उसको लेकर शासन प्रशासन लंबे समय से इस पर प्रतिबंधित भी कर रहा है, उस पर कार्रवाई भी कर रहा है। पिछली बार 2-3 क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग भी हुई, जिसमें काफ़ी निर्णय कठोरता से लिए गए हैं। पिछले साल भी खरगोन जिले या मेरी लोकसभा में इस प्रकार की वैश्विक बीमारी को रोकने के लिए एक अच्छे प्रयास किए गए थे और काफ़ी सेवा काम भी किए गए थे। आज की इस बैठक में बहुत सारी उस पर चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि वैक्सीन सेंटर जो है वो अत्यधिक खोले जाए, उसके लिए भी प्लानिंग किया गया है। खरगोन शहर, महेश्वर और कसरावत में जहाँ पर एक एक सेंटर है उसको बढ़ाकर 3-3 से 5-5 सेंटर बढ़ाने के भी निर्देश किए गए हैं, जहाँ पर छाँव की व्यवस्थाएँ, पानी की व्यवस्थाएँ, नर्सों के स्टाफ की व्यवस्थाओं को भी बढ़ाने की व्यवस्थाएँ की गई है। क्राउड ना रहे, भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना, इसलिए बाजार लगने वाले स्थानों में भी परिवर्तन करने के निर्देश किए गए कि जहाँ पर बाजार लगते हैं, जहाँ पर भीड़ होती है, वो स्थानों को भी परिवर्तन किया जाए, जिससे भीड़ कम लगे और लोग अपना व्यवसाय भी कर लें और जहाँ पर हम उस सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर सकें। और आने वाले हमारे ढूंढकोर माता का त्यौहार भी है, फिर भी मध्य प्रदेश की जो गाइडलाइन तैयार हुई है उसमें माता का त्यौहार घर में करने के निर्देश हुए हैं। और जहाँ पर भी मैं आपके माध्यम से हमारी माता बहनों से भी आग्रह करता हूँ कि नवरात्र का पर्व हमारा सबसे बड़ा पर्व रहता है और निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, तो ये पर्व भी हम इस कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में अपने घरों में मनाएं, ये क्राइसिस की मीटिंग में भी तय किया गया। और मैं माता बहनों से भी आग्रह करता हूँ कि ये माता का त्यौहार भी आशीर्वाद बना रहे और हम घर पर मनाएं। तय तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर भी बातचीत की गई अस्पताल के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।